आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बच्चों कि मानव नेत्र जो है द्वारा किसकी अनुभूति होती है। बच्चों यहाँ पर मानव नेत्र कर लीजिएगा, ठीक है। मानव नेत्र के द्वारा किसकी अनुभूति होती है। विकल्प आपके पास में ये दिए गए हैं अ, ब, स और ये दिया गया है द। एक एक करके पढ़ते हैं। अल्प परास के विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, बड़ी परास के विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, या यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों का पता नहीं लगा सकते। ये तो बिल्कुल ही गलत है बच्चों, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तो पता लगा सकती है ना। हम लोग जो भी सूरज से आती हुई जो भी चीजें हैं सूरज की रोशनी में हमें दिखाई देती है, यानी कि उसकी तो अनुभूति हमें होती है। और यहाँ पर दिया गया है केवल अनुधेरे, नहीं बच्चों केवल अनुधेरे तरंगों को देख कहां सकते हैं। अनुधेरे जैसे कि ध्वनि तरंग है ना, तो ये वाली तो नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो जो बच्चों प्रकृति ने एक बड़ा ही खास तरीके का किस्म की हमारी आंख को बनाया है, तो जो हमारी आंख की जो रेटिना है ना, आंख में क्या होती है बच्चों, जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, कौन सी चीज, रेटिना, है ना। ये रेटिना केवल सेंसेबल होता है किसके लिए, ये होती है केवल और केवल अल्प परास की जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, अल्प परास की विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, तरंगों के लिए। ये वाला बच्चों हमारा इसका उत्तर होगा, ठीक है, जनरली अ हमारा सही। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।